हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमने सीजीएल 2016 का एनालिसिस करेंगे। और नोटिफिकेशन एज यूजुअल यू ऑल नोज कि 13 तारीख को आ गया है, तो इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सर कैसे भरें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, सर क्या नया है, इंटरव्यू है कि नहीं है, सर क्या कट ऑफ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इन सारे सवालों का यहाँ इस वीडियो में जवाब दे पाऊँ। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो सॉरी फॉर दैट, और उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या कह रही हैं कि 13 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है, जो लास्ट डेट पहले पार्ट की है वो 10 तारीख तक है और 10 मार्च तक है, और सेकंड रजिस्ट्रेशन सेकंड पार्ट का रजिस्ट्रेशन हम 14 मार्च तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो 8 और 22 मई को, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 13-14 अगस्त को है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये हिस्ट्री रखी है, पिछले कुछ सालों में जो SSC आया है, पिछले 5 सालों का यहाँ पे कुछ लेखा जोखा है। SSC यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, 2012 तक किसी को कोई डाउट नहीं था, सब फेयर एग्ज़ाम हो रहा था, सब कुछ फेयरली हो रहा था। तो 13 में ऐसा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन ये आता है। और जो कट ऑफ 12 में थी वो 13 में सडनली जंप कर गई। ठीक है, 13 का सबसे बड़ा ब्लंडर चीज़ ये थी कि यहाँ पे 2 बार एग्ज़ाम हुआ, बहुत ब्लंडर SSC के इतिहास में हुआ था जो अभी तक नहीं हुआ था। वो क्या था कि 2013 में जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई जगह चीटिंग हुई। ठीक है, और फिर उस चीटिंग को नज़रअंदाज करते हुए SSC आगे बढ़ गया, फिर मेंस पेपर कराया उसने, मेंस में भी कई जगह चीटिंग खबरें आई, कुछ लड़के कोर्ट चले गए, फिर स्टे लग गया, फिर कोर्ट से आदेश आया कि पूरा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए, इस एग्ज़ाम को फिर कराया गया। 2013 में SSC पहली बार SCGL हुआ। ठीक है, 2014 में इसका मेंस हुआ। तो ये सब खींचते 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 क्या हुआ, जो कट ऑफ कहीं ना कहीं 82 थी 2012 में, 82 थी, आप यकीन नहीं करेंगे, 2013 में ये कट ऑफ 102 थी। इतना बड़ा 20 नंबर का डिफरेंस साल भर में कैसे, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया। प्री में 2 नंबर 3 नंबर बढ़ने की शंका थी लोगों को, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया। पहले तो ये 2012 के बाद मान लीजिए 2014 में रिजल्ट आया, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। बहुत जगह खबरें हैं चीटिंग हुई चीटिंग हुई, और इसी चीटिंग के मद्देनजर रखते हुए एक नई चीज़ हुई 10+2 के पेपर में। जो 10+2 का पेपर होता है SSC का, उसमें पहली बार इन चीटिंगों को इतना ज़्यादा इन्होंने ओवरटेक कर लिया था कि 10+2 के इतिहास में आप सोच नहीं सकते कि उन्हें मेंस कराना पड़ा। ये मेंस 2014 में हुआ था। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी 14 का होते होते 15 में जो उसका मेंस हुआ, आपको यकीन नहीं होगा, हरियाणा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ा गया था जिसके पास एक रात पहले उनके पास 10+2 के पेपर्स मिले थे। क्योंकि आप यकीन माने ना माने, दिल्ली हरियाणा में और बिहार में कई जगह स्कूलों पे काफ़ी जगह नोटिस किया गया जहाँ चीटिंग्स के केसेस सामने आए। तो ये सब क्या था क्या नहीं था, हम जब कट ऑफ देखेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा लंबा होता जा रहा है और बहुत लेंदी होता जा रहा है, तो इसको हम आगे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इस टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे, तो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा है क्या होता है। देखिए पहले तो मैं बता दूँ, मैं यहाँ मेंस का कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि पहले प्री देखेंगे। प्री होने के बाद मैं मेंस के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसके लिए उसके एनालिसिस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम अभी प्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्री देखेंगे। हम सब जानते हैं 8 मई को पेपर है और 22 मई को पेपर है, बीच में 15 मई को छुट्टी है, 15 को भी संडे है और इस दिन एग्ज़ाम नहीं है, गैप है। तो 8 मई को होगा, फिर उसके बाद 22 मई को एग्ज़ाम पड़ेगा, पेपर
सीजीएल 2016 प्री का एग्ज़ाम। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हम सभी जानते हैं क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नया चीज़ नहीं है। सॉरी, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश आती है। सब 50-50 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 घंटा 40 मिनट का होता है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। पता नहीं आप लोग और वीडियोस आप कैसे देखते हैं। लोग आते हैं नॉर्मली बता के ले आते हैं, इतनी वैकेंसी है, इतना नोटिफिकेशन आया है, फलाना है, ढिमकाना है। वो काम की चीज़ें बताते ही नहीं आपको, और उन वीडियोस पे कितने लाइक्स होते हैं, कितने लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए क्या करना है आपको, फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो इसको भोग चुके हैं, इनका उनको बाद में नतीजा मिल चुका है। देखिए, कहीं जगह कुछ पोस्टें हैं, दो तीन, जहाँ पे आपको फिजिकली मांगते हैं वो, और बच्चे क्या करते हैं, वो भर देते हैं उसको प्रेफरेंस में, वो प्रेफरेंस में ऊपर दे देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनको वही मिल जाता है, और बाद में उनको फिजिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें वो फेल हो जाते हैं, और फिर वापस वो आके प्री में खड़े हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है कि आपके मुंह से कोई निवाला छीन ले, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये दो तीन पोस्टें हैं जहाँ फिजिकली आपको, विजुअली आपको परफेक्ट होना है। देखिए, यहाँ देखिए, ये जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, इसमें आपका आई विजन 6x6 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रेफरेंस ये ऊपर दे देते हैं पहले दूसरे नंबर पे और आपको ये मिल जाता है, तो आपको मिलने के बाद आपको इन क्राइटेरियाज होके गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए आप स्पेक्टेक्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकालने के बाद आप फिजिकल में गए और आपको बाहर कर दिया गया। तो ये पोस्ट हो गई, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और एक पोस्ट और है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, उसमें भी क्राइटेरिया यही है। हाइट आपकी और ज़्यादा मांगा है, 170 होनी चाहिए, और आईज 6x6 होनी चाहिए। तो इन दोनों पोस्टों को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादा उचित होगा, या तो सबसे लास्ट में भरें। अगर आपकी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती, अगर आप चश्मे लगाते हैं या आपकी हाइट इतनी नहीं है, तो इन पोस्टों को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस में डाल देंगे, और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, काफ़ी लोग आते हैं और प्रेफर करके और डाल देते हैं, और ऐसा हो जाता है कि उनको वही चीज़ मिल जाती है और वो फिर फिजिकली में फेल हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आप बाहर हो गए एक तरह से। बहुत बड़ा ब्लंडर है। और देखिए, ये जो है, ये मैंने उनके नोटिफिकेशन से काटा है, उन्होंने बड़ा बड़ा, ये देखिए इनके नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप भरने से पहले अपने आप को चेक कर लें कि आप विजुअली टेस्टेड हैं, आप 6x6 रखते हैं, आप फिजिकली जो मांगा गया वो हैं कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग व्यू करते हैं ऐसे ही बता के चले जाते हैं, वो आपको ज़रूरी चीज़ें नहीं बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तीसरी नई चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नई पोस्ट ऐड हुई इस बार, और मैं कहूँगा जिसे कहते हैं ना मक्खन की नौकरी, तो वो ये है। पे ग्रेड देखिए 48 की है, 48 की पे ग्रेड है। इस बार ये असिस्टेंट ऑडिट ऑडिट ऑफिसर जुड़ा है, ये फर्स्ट टाइम SSC CGL में जुड़ा है, ये पोस्ट नई आई है, पहली बार जुड़ी है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर कैग के तहत आती है ये पोस्ट, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ये फर्स्ट टाइम ऐड हुई है, तो इसका भी जिक्र करना ज़रूरी था। अब देखिए, पोस्ट प्रिफ्रेंस कैसे भरें। देखिए, मैं कभी किसी से नहीं कहूँगा भाई तुम एग्जामिनर में जाओ, तुम इनकम टैक्स में जाओ, या तुम कैग में देख लो, या तुम TA देख लो। मैं नहीं कह सकता ये, क्योंकि प्रेफरेंस आपकी होगी। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सी पोस्ट कैसी है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रेफरेंस मैंने दी है वो प्रेफरेंस आप डालें तो आपके लिए बेस्ट बेहतर होगा। आपको देखना है, मैंने यहाँ सब डिटेल दे दिया है, पोस्ट जॉब कैसी है, टाइप ऑफ जॉब कैसी है, प्रमोशन के चांसेस है नहीं है कि नहीं है, जॉनर क्या है उस जॉब का, भागने दौड़ने वाली है कि कैसी है, ऑफिस जॉब है, वो सब मैंने यहाँ दे रखा है। आप आराम से देख लीजिए इन सबको और अपने हिसाब से डालिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए और सबसे पहले एम कोड को सबसे पहले भर दीजिए, फिर जे को भर दीजिए, फिर एल को भर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा। आप देख लीजिए, ये अच्छी पोस्टें हैं मेरे हिसाब से, तो आप इसको
ऐसी प्रेफरेंस करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप देख लीजिए जो पोस्टें हैं उनकी क्या है। देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्पेक्टर एग्जामिनर डालते हैं तो आपको कोस्टल रीजन में पोस्टिंग मिलेगी, मतलब मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है, प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे हैं, फील्ड जॉब है, कमाई अच्छी है, आप अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं। तो ये सारे पोस्टों का मैंने जॉनर दिया है, अगर इसमें आप ऑर्डर भरना चाहते हैं भर दीजिए। लेकिन दो पोस्टों का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले बताया था, उसमें अगर फिजिकली आप नहीं है तो उन पोस्टों को सबसे लास्ट में भरिएगा, ठीक है। चलिए ये है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, जिसमें देखिए हर पोस्ट का मैंने जॉब का दिया है, पोस्टिंग का दिया है, प्रमोशन चांसेस कैसे हैं वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। आप यही ऑर्डर चुन सकते हैं या अपना ऑर्डर चुन सकते हैं। आप इन पोस्टों को आराम से देख लीजिए क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो आप चुन लीजिए। सब जो अच्छी पोस्टें हैं, जो बड़ी पोस्टें हैं, मैं उनको पहले लिया है, जो उससे थोड़ी सी कम है, नॉन इंटरव्यू पोस्टें हैं उनको मैंने बाद में लिया। देखिए इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ और याद आई, इस बार इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिए इस बार इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो कोई इंटरव्यू पोस्ट नहीं है, सब सीधे डायरेक्ट आपको मेंस के बाद आपके लिए, बाकी जो टेस्ट हैं वो हो जाएंगे आपके, और जो अगर टीए क्वालिफाई करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और अब सीधे आपको पोस्ट दे दी जाएगी। इस बार इंटरव्यू नहीं है, माइंड इट। चलिए ये देखिए और पोस्टें हैं, इनको पर देख लीजिए और क्या बेस्ट है। जैसे असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री है तो ऑफिस जॉब है, जो 90% चांस है, 70% चांस है मोर देन कि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी। लेकिन ये हैक्टिक जॉब है, हैक्टिक मतलब बहुत ही भागा, मतलब आप व्यस्त रहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हैक्टिक जॉब है लेकिन प्रमोशन के चांसेस बहुत हैं। कौन सी है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, अच्छी जॉब है, लेकिन ये ऑल इंडिया आपको कहीं भी मिल सकती है। तो इस तरह के मैंने सारे यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, यही प्रेफरेंस रख सकते हो या प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए कैग की, और अब ऑडिटर की शुरू हो गई है, जो अब तक नॉन इंटरव्यू में आती थी, इनमें कोई इंटरव्यू नहीं होते थे, अभी भी नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए, आपको ऑडिटर के लिए, टीए के लिए, ऑडिटर के लिए कोई आपको इंटरव्यू नहीं देता। टीए के लिए आपको, टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, उसके अलावा कोई टाइपिंग टेस्ट आपके लिए नहीं होगा। देखिए ये आखिरी के तीन पोस्टें हैं, इनको देख लीजिए, इनका जॉनर ये है। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या पोस्टिंग है, क्या, तो सब कुछ आपके सामने है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं वो बात जिसके लिए आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कट ऑफ की। देखिए 2015 की कट ऑफ ये आपके सामने है। 2015 में क्या गुल खिलाया एसएससी ने, इस बार बहुत ही मिक्स पेपर हुआ। इस बार जो पेपर हुआ था वो 8 को और 16 को अगस्त, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक सो, नहीं नहीं 9 को, 9 अगस्त और 16 अगस्त को प्री किया गया था, प्री का पेपर था एसएससी 2015 का। लेकिन शिकायतें क्या थी लोगों की, शिकायतें ये थी कि पेपर कुछ बहुत आसान आ गए थे और कुछ पेपर बहुत टफ आ गए थे। फॉर एग्जांपल जो 16 तारीख का मॉर्निंग का पेपर था, जो मॉर्निंग का पेपर था वो बहुत आसान आया था, जबकि आफ्टरनून का जो पेपर था, आफ्टरनून का पेपर था वो बहुत 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 ज़्यादा टफ था। तो और 9th का पेपर, जो मॉर्निंग पेपर था बहुत आसान था, और जो आफ्टरनून का पेपर था मॉडरेट था। तो इस तरह के लोगों की, बच्चों की शिकायतें थी, सर ये आसान और कठिन क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो ये आपके साथ होगा ही होगा, इस बार भी होगा, हर बार होता है। इतने सेट बनते हैं, वो सेट में आपको कौन सा सेट मिलता है, आसान मिलता है, कठिन मिलता है या मॉडरेट मिलता है, वो कोई नहीं कह सकता, ठीक है। चलिए हम यहाँ पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए 102 था जनरल का, तो इस बार 2016 में, ठीक है, देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, कुछ हिसाब से मुझे बताना चाहिए कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, माइंड इट, इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनको मेंस पे ही सब कुछ ख़त्म करना होगा, आ रहे समझ में आपको। क्योंकि अगर 3 बार फिल्टर किया जाए, पहले ये, फिर दूसरा मेंस, फिर तीसरा इंटरव्यू, अगर यहाँ 100 लड़के लिए हैं
तो यहाँ 50 जाएंगे, फिर यहाँ 25 जाएंगे, फिर जिसमें से 10 जॉब पाएंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता था, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बाद उनको यहाँ जंप करना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएगा 75 लोग, यहाँ शॉर्ट आउट हो जाएगा 30 लोग, फिर यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा 10 लोग। तो जो 100 लड़के लेने में अगर उनके उनकी कट ऑफ 80 जा रही है मान लीजिए एससी की, तो इस बार उनको 75 ही लड़के चाहिए, तो कट ऑफ 85 बढ़ानी ही पड़ेगी। देखिए मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ कट ऑफ कैसे बनती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन पहले ही कर लेना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं मैंने कहने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखिए हालांकि काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ अगर उनको यहाँ से ये 50 पर 25 नहीं चुनना है, सीधे उनको 50 के बाद 10 लड़के चुनने हैं, मान ली 10 पोस्ट ही है उनके पास, तो पहले क्या करते थे 25 लड़के ले जाते थे, जिसमें से 25 में इंटरव्यू में 15 लड़के सॉर्ट आउट कर देते थे, जो 15 लड़के सॉर्ट आउट करते थे वो उनको अब यही करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्री से ही वो जो 15 लड़के जो यहाँ एक्स्ट्रा ले गए थे वो यहीं से छाटना शुरू कर देंगे प्री से ही, तो प्री में जो कट ऑफ है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीज होगी। समझिए इस बात को। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ, जो उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, पहला उन्होंने लिखा हुआ है कि वो ऑनलाइन पेपर ले सकते हैं, पहली चीज़ उन्होंने लिखी है। ठीक, दूसरा उन्होंने ये भी लिख रखा है कि जो प्री होगा उसको क्वालिफाइंग कर सकते हैं, क्वालिफाई मीन्स कि उसका मार्क्स मेंस में नहीं जोड़ेंगे, ये दो चीज़ें उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख सकती है, वो कर सकते हैं। बहुत लड़के पूछते हैं कि 10+2 में मेंस कैसे हो गया, क्या इस बार 10+2 में मेंस होगा? सर होगा तो क्यों होगा, नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। ठीक है, एसएससी मन मौजी है अपना, वो लिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी साइट पे चले जाइए, हर जगह उन्होंने लिख रखा है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसका अधिकार उनके पास है। तो वो उन्होंने ये दो चीज़ें, आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा, उसमें ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो पेपर ऑनलाइन करा सकते हैं अगर उनका मन किया, वो ये भी कर सकते हैं अगर प्री में कुछ उनको फेरबदल लगता है तो प्री के नंबर हटा के सिर्फ मेंस के नंबर लेके लड़के आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, पोस्टिंग के लिए मूव कर सकते हैं। ये दो चीज़ें छूट गई थी, मैं आपने बता दिया, वापस कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो अब इसको वाइंड अप करते हैं और जल्दी जल्दी आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ क्या हो सकती है। देखिए पहले जनरल की पहली बार 102 थी, तो यकीन मान के चलिए 100 से 105 के बीच में होगी। ओबीसी 89 थी, आई थिंक ओबीसी 89 थी, तो ओबीसी की 88 से 92 मान के चलिए ये होगी। एससी की 82 थी, तो 77 से 84 मान के चलिए। एसटी की 74 थी, तो 75 से 80 मान के चलिए। यह है 2016 की कट ऑफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इंटरव्यू के लड़के चाहिए ना, तो जो छटनी होगी, जो शॉर्ट आउटिंग होगी, वो यहीं से शुरू हो जाएगी, प्री से ही शुरू हो जाएगी। तो कट ऑफ डिक्रीज होने की कोई चांस नहीं है, यकीन मानिए कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक, चलिए इसको अभी मैं वाइंड अप करता हूँ, और अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं, और कुछ नोटिफिकेशन में जानना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। और चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और सोच समझ के भरिए, प्रिफरेंस देख के भरिए, और बेस्ट ऑफ लक।